अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ला न्यूज़। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर में। कुछ दिन पहले इफ्तिताह हुआ था सवात में ज़फ़र ख़ान फ्री डिस्पेंसरी का, और अब लाहौर में हसीब भाई मौजूद है मेरे साथ। इन्होंने इफ्तिताह कर दिया है, 60 रुपये पर्ची फ़ीस है, और बाकी जो आल अदवियात हैं या ट्रीटमेंट है मेडिकल जो भी है वो फ्री होगा। और 60 रुपये में ये जो भी यहाँ पे मेडिसिन दी जाएंगी वो 60 रुपये में, बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी, उसके अलावा कोई भी अखराज आते हैं तो ये डिस्पेंसरी सिर्फ 60 रुपये पर्ची फ़ीस लेंगी, उसके अलावा कोई भी बीमारी का इलाज होता है वो फ्री होगा। तो मेरे साथ पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा कि ये क्या लाहिक अमल है और कितने लोग यहाँ पर काम करेंगे, और इनकी डिग्री के मुतलक मैं बात करूँगा। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि अपनी डिग्री के मुतलक थोड़ा सा बता दीजिएगा, और ये काम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है। जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह MBBS ग्रेजुएट हूँ, और ये हसीब भाई ने बहुत उसमें कोशिश करेंगे कि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। बाकी लवाजमात पूरे हो गए, आपने चेक कर लिया सारा? हाँ जी, हमारे मेडिकल एक सेटअप लगाते हैं उसके मुताबिक सब चीज़ें। हाँ जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक क्वालिफाइड डिस्पेंसर भी हैं, और हमारे पास जो स्टाफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड है, और इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया, और सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास मौजूद हैं। चलो जी, डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ा अच्छा लगा बात करें। हसीब भाई जो इनको देख रहे हैं, बानी हैं, जो ज़फ़र ख़ान फ्री डिस्पेंसरी से, इनसे बात करते हैं कि ये मुख्तलिफ आगे कितने शहरों में इसको बढ़ा रहे हैं। और सवात के बाद वो पहले इन्होंने किया था, लेकिन उस सैलाब की नज़र हो गया था, उसके बाद फिर इन्होंने फ्री ऑल ओवर फ्री कर दिया, पूरे लाहौर से कोई भी यहाँ पर आके चेकअप करवाए अपना इलाज करवा सकता है 60 रुपये पर्ची में। हसीब भाई पहले तो शुक्रिया, आपने इलाके के लिए अच्छा इकदाम कर रहे हैं, और दूसरा कोई तफसीलात बता दीजिए कि और कहाँ कहाँ पर आपका है चांस। अभी तो लाहौर में भी आपने कर दिया, कुछ दिन पहले सवात में किया था, वो सैलाब की नज़र हो गया था, तो अब आपने लाहौर में कर दिया 60 रुपये में, यानी कि कोई भी यहाँ पे आप इलाज करवा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आप सब दोस्त अहबाब का, स्पेशली ला न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब का बेहद ममनून हूँ, जो अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के बहुत ही मामूली पर्ची फ़ीस पे यहाँ पे उन्होंने सिर्फ़ एक नेक नियती के साथ और आवाम की खिदमत करने की नीयत के साथ उन्होंने मेरे साथ इस सफ़र में जो है उन्होंने मेरा साथ देने का फ़ैसला किया है। और दूसरा, 60 रुपये पर्ची फ़ीस मेरा नहीं ख्याल के पूरे भी लाहौर में या लाहौर के अलावा भी किसी गवर्नमेंट के इदारे के अलावा किसी भी क्लिनिक में या किसी भी वेलफेयर में कहीं पे किसी ने रखी, और अगर किसी की होगी भी तो उसमें इंजेक्शन ड्रिप्स वगैरह कोई मुहैया नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है 60 रुपये पर्ची फ़ीस में MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं उनका चेकअप फ्री है, उसके बाद मेडिसिन फ्री है, उसके बाद इंजेक्शन फ्री है, और ड्रिप तक यहाँ पे आपको फ्री मुहैया की जाएगी। कोशिश की है कि जो भी यहाँ का मतलब है कि इलाका है उसके लिहाज से अपनी तरफ से हम इनको जो है वो मुनाफा जो है देने की कोशिश करें अपनी। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ ज़फ़र ख़ान फ्री डिस्पेंसरी में, जो यहाँ के सरपरस्ते आला हैं उस्मान भाई, इनकी मैं राय जानना चाहूँगा कि ये इन्होंने वर्किंग का आगाज़ इधर कर दिया है, तो आगे कितने शहरों में ये इसको वर्किंग बढ़ा रहे हैं, और कितना स्टाफ अभी अवेलेबल है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम गरीब आवाम की जो है ना वो खिदमत कर सकें। हमने ये इलाका इसलिए चूज़ किया है कि ये इलाका थोड़ा बैकवर्ड था, यहाँ आवाम की जो ताकत है मेडिकल के लिहाज से वो कमज़ोर है, क्योंकि आम तौर पे डॉक्टर किसी के पास चले जाएँ 500-1000 के से कम किसी की फ़ीस नहीं है, तो इसलिए हमने इस इलाके को सिलेक्ट किया है ताकि आवाम की खिदमत कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 रुपये की पर्ची में बहुत अच्छी जो है ना वो MBBS डॉक्टर के ज़ेर निगरानी ये चलेगी, अच्छा उनका तिब्बी मुआयना होगा, और तमाम तर सहूलियात मेडिकल की, मेडिसिन ड्रिप वगैरह वो सारी इंशाल्लाह फ्री फ्राम की जाएगी। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि पहले ज़फ़र भाई ने भी कहा था कि किसी का कोई फ़ंड नहीं कर रहे, तो इसमें कोई है कि आगे कोई फ़ंड किसी से लेंगे, या इसको जब तक है ये आप खुद ही चलाते रहेंगे आप लोग इसको? देखें जी, अल्लाह ताला अगर हिम्मत दे हमें तो हम कोशिश यही करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान हम अपनी फ्री डिस्पेंसरी चलाएँ, तो फ़िलहाल जो है ना हम ये चला रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाएगा तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है जी कि आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम आवाम के लिए हम कुछ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और अल्लाह हमें तौफीक देता रहेगा। यहाँ पे जितना भी हमारा स्टाफ है सारे क्वालिफाइड हैं और अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जितनी भी यहाँ पर ट्रीटमेंट होगी नेक नीयती के साथ होगी, अच्छी मेडिसिन हमने सेलेक्ट की हैं, और मतलब लोगों की जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर तरीके से की जाएगी। जितने भी यहाँ पे हमारे पास लोग आएंगे, एक किस्म की ये फ्री डिस्पेंसरी है, जितना कि हम ले रहे हैं जितना कि यह मैनेजमेंट ने इसका अरेंज किया है वो, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस तरह की
कामयाबी और इस तरह की हमारे और भी तौफीक देता कि